छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने वाले 176 शिक्षकों पर कार्रवाई की है। मंडल ने सभी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोके जाने की अनुशंसा की है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी के गोयल से खास बातचीत की सहयोगी सत्या राजपूत ने। सचिव वी के गोयल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, 176 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है, किस तरह का मामला था? नहीं, देखिए क्या होता है कि लगभग 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की 50 लाख उत्तर पुस्तिकाएं जांची जाती है। उस 50 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियां हो जाती हैं, और जिन टीचरों से त्रुटियां होती हैं उन टीचरों के ऊपर कार्रवाई की जाती है ताकि भविष्य में इस त्रुटि को रोका जा सके। किस तरह की त्रुटियां आई हैं सामने? आप जैसे 3 श्रेणी में आप लोग कार्रवाई किए हैं, तो क्या क्या आधार रहा है उस कार्रवाई का? देखिए 2018 में जो टोटल मूल्यांकनकर्ता पे कार्रवाई की गई वो टोटल 176 है, जिसमें से 64 आपके हाईस्कूल के हैं और 112 हायर सेकेंडरी के हैं। इसमें हमने 3 श्रेणी में बांटा है, जिसमें एक तो है कि जिन मूल्यांकनकर्ताओं से 20 अंकों से लेकर 40 अंकों की त्रुटि हुई है वो एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी है 41 अंक से लेकर के 49 अंक तक, और तीसरी श्रेणी है 50 अंक या उससे अधिक अंक बढ़ने पर सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कितने बच्चों का इसमें अंक बढ़ा है, कितने बच्चे प्रभावित हुए हैं 10वीं और 12वीं के? टोटल 176 बच्चे हैं, जिसमें से जो सबसे ऊपर वाली कैटेगरी 50 अंक से अधिक बढ़ने वाली, उसमें सिर्फ 9 टीचर है। सर, अधिकतर टीचर कॉपी और ये एडिशनल ड्यूटी से बचते हैं, उनके लिए तो ये सजा नहीं, उनके लिए मौज हो गया है? नहीं नहीं, लेकिन उसके साथ साथ शासन से भी कार्रवाई होती है, उनकी वेतन वृद्धि भी, एक वेतन वृद्धि संचित प्रभाव से रुकती है। संचित प्रभाव रुकने मतलब कि वो वेतन वृद्धि उसकी कभी भी जुड़ेगी नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, तो एक मॉनिटरी में उसको नुकसान भी तो होता है। आगे ऐसा ना हो, किस तरह की इस पे आप लोग देख रहे हैं, क्या मॉनिटरिंग टीम कुछ बनाए हैं इसे ताकि ऐसा कोई ना हो? क्या होता है कि ये दंड इसलिए दिया जाता है कि दंड के आगे ऐसा दोबारा गलती ना हो, इसके लिए कुछ आप नियम कानून या कुछ ऐसा बनाए हैं क्या? नहीं, ये नियम इसलिए बनाया गया है कि गलतियां की पुनरावृत्ति पिछले वर्षों से धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पहले और भी संख्या में गलतियां होती थी, अब धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको सजा दे रहे हैं, सजा नहीं देते तो गलतियां और बढ़ती, सजा देने से गलतियां कम हो रही हैं। तो अभी आपने सुना माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी के गोयल का, जिनका कहना है कि जो गलतियां हुई हैं उनके आधार पर उन शिक्षकों को दंडित किया। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।